Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your online lectures. So, today we are going to study a new chapter of environment, which is chapter 1, Our Amazing Body. Now, let's start it. Chapter 1, Our Amazing Body. हमारी बॉडी, जैसे कि पहले हमने एक बार एक वीडियो भी देखा था, वही है, पर ये टेक्स्ट बुक से हम समझते हैं. Which body parts are the children in the following pictures using to do the various activities? आपको ये पिक्चर्स में दिख रहे हैं चिल्ड्रंस, वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हो, और ये एक्टिविटी करते वक्त उसके कौन से बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं चिल्ड्रंस है, उसके माउथ, हैंड, लेग्स, ये सब बॉडी पार्ट्स ये एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हैं. अवर बॉडी नीड्स एयर, फूड, वाटर, एक्सरसाइज एंड रेस्ट. हमारी बॉडी है, उसको एयर, फूड मतलब खाना, पानी, एक्सरसाइज जो हम डेली करते हैं, एंड रेस्ट आराम की ज़रूरत होती है. दिस गिव अस एनर्जी एंड स्ट्रेंथ टू वर्क एंड प्ले. ये हमें क्या करते हैं, हमें इन सब से, फूड, वाटर, एक्सरसाइज से हमें एनर्जी मिलती है और हमें बहुत सारी ताकत मिलती है, हम सब वर्क कर सके, प्ले कर सके. इसीलिए वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर बॉडी एंड ईट हेल्दी फूड. हमें हमारी बॉडी का बहुत ध्यान रखना चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए. अनहेल्दी फूड मेक्स अस अनफिट एंड लेजी. अगर हम हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं, तो हमारी बॉडी है वो बहुत लेज़ी हो जाती है और हम फिट नहीं रह पाते, इसलिए कोई भी वर्क अपना प्रॉपरली नहीं कर पाते. इसीलिए हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए. नाउ नेक्स्ट है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. इन क्लास 1 यू स्टडीड दैट आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. दिस पार्ट्स हेल्प अस टू डू डिफरेंट थिंग्स. जैसे कि हमने क्लास 1 में पढ़ा है कि हमारी बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट्स से बनी है. दिस पार्ट्स हेल्प अस टू डू डिफरेंट थिंग्स. और ये सभी पार्ट्स से हम अलग अलग तरह की सभी थिंग्स है वो कर सकते हैं. आवर माउथ हेल्प अस टू ईट एंड स्पीक. फॉर एग्जांपल हमारे माउथ से हम क्या करते हैं, बोल सकते हैं और खाना खा सकते हैं. आवर हैंड्स हेल्प अस टू लिफ्ट एंड होल्ड थिंग्स. हमारे हैंड्स, हमारी हाथों की मदद से हम कोई भी चीज़ को ऊपर उठा सकते हैं और पकड़ सकते हैं. अवर लेग्स हेल्प अस टू वॉक, रन एंड प्ले. हमारे लेग्स है, उसकी हेल्प से हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बहुत सारी गेम्स प्ले कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पेज, सेंस ऑर्गन्स. सम ऑफ अवर बॉडी पार्ट्स हेल्प अस टू नो मोर अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस. हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन कई सेंस ऑर्गन्स है जिसकी हेल्प से हम हमारे वर्ल्ड के अराउंड की बहुत सारी चीज़ें सेंस कर सकते हैं. दीज आर नोन एज सेंस ऑर्गन्स. नाउ विच इज़ द सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स कौन कौन सी है. अवर आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर द सेंस ऑर्गन्स. दे हेल्प अस टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील. वो हमें हेल्प करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आइज़ है तो वो हमें देखने में हेल्प करती है. ईयर है तो वो हमें कुछ भी सुनने में हेल्प करता है. नोज़ है, उससे हम स्मेल ले सकते हैं. टंग है, उससे हम टेस्ट करते हैं. और स्किन से हमें फीलिंग होती है, कोई भी चीज़ें ज़्यादा हॉट है, ठंडी है, तो उससे हमें वो पता चलता है. नाउ नेक्स्ट, डू यू नो हाउ फिश टेस्ट देयर फूड. क्या आप जानते हो फिश है वो अपना फूड कैसे टेस्ट करती है. दे टेस्ट इट विद देयर फिन्स, टेल एंड माउथ. वो अपने माउथ से, फिन्स से एंड टेल से अपने फूड है, अपने खाने को टेस्ट करती है. और हम ह्यूमन बींग्स है तो हम अपनी टंग से टेस्ट करते हैं. नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट सेंस ऑर्गन फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपको हेल्प बॉक्स दिया है, उसमें ऑप्शंस है नोज, ईयर्स एंड टंग. आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना और ये ब्लैंक से वो फिल अप करनी है. उसमें फर्स्ट ब्लैंक है आवर डैश हेल्प्स अस टू टेस्ट एन आइसक्रीम. हमें आइसक्रीम टेस्ट करने में कौन हेल्प करता है, तो उसमें आंसर आएगा टंग. इट्स अ TONGUE.
सेकेंड ब्लैंक आवर डैश हेल्प्स अस टू स्मेल अ फ्लावर. फ्लावर है वो मुझे स्मेल करना है, तो उसमें मुझे हेल्प करेगा मेरा नोज, NOSE नोज. आवर डैश हेल्प अस टू लिसन टू म्यूज़िक. हमें म्यूज़िक लिसन करने में कौन हेल्प करता है, तो उसमें आएगा ईयर्स, इट्स EARS. अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट डज अ सर्टेन जॉब, उसे हम कहते हैं ऑर्गन. नाउ नेक्स्ट वन, ऑर्गन्स इनसाइड अवर बॉडी. ये सभी ऑर्गन्स है वो हमारी बॉडी की सेंस ऑर्गन्स है, लेकिन ऑर्गन्स इनसाइड अवर बॉडी, हमारी बॉडी के इनसाइड जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है वो. यू हैव लर्न्ड अबाउट द बॉडी पार्ट्स दैट यू कैन सी. हमने जो भी बॉडी पार्ट्स हम देख सकते हैं उसके बारे में हमने लर्न किया. बट डू यू नो दैट देर आर ऑल्सो मैनी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स इनसाइड अवर बॉडी दैट हेल्प अस इन डिफरेंट वेज. पर क्या आपको पता है हमारी बॉडी में और सारे ऑर्गन्स भी है जो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस करते हैं. ईच ऑर्गन इन अवर बॉडी हैज़ अ स्पेशल फंक्शन. हमारी बॉडी में सभी ऑर्गन्स है उसका पर्टिकुलरली स्पेशल फंक्शन है. व्हेन ईच ऑफ दिस ऑर्गन्स डज इट्स स्पेशल वर्क अवर बॉडी फंक्शंस प्रॉपरली. जब सभी ऑर्गन्स है वो अपने स्पेशली पर्टिकुलरली अपने फंक्शंस करते हैं, तब हमारी बॉडी है वो प्रॉपरली वर्क करती है. नाउ फर्स्ट द ब्रेन. हमारा ब्रेन हमें क्या हेल्प करता है, देखो एक गर्ल है, क्यूट गर्ल है, वो सोच रही है, तो आवर ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक. हमारा ब्रेन हेल्प करता है हमें सोचने में. द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड आवर हेड. ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है, हमारे हेड है उसके अंदर है ब्रेन. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. वो हमारी बॉडी का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है. इट हेल्प्स अस टू थिंक, लर्न, रिमेंबर एंड डू मैनी एक्टिविटीज़. वो हमें हेल्प करता है सोचने में, सीखने में, याद रखने में और बहुत सारे एक्टिविटी को करने के लिए. द ब्रेन ऑल्सो हेल्प्स अवर सेंस ऑर्गन्स टू सी. हमें अगर कोई भी चीज़ है, मुझे बहुत ज़्यादा हॉट है, तो हमें कोई भी चीज़ है उसे टच करती हूँ, फीलिंग में भी ब्रेन हेल्प करता है. सेंस ऑर्गन्स है उसमें भी ब्रेन है वो मुझे हेल्प करता है टू हियर, सी, स्मेल, टेस्ट एंड फील. Now next organ, it's a heart. The heart lies inside our chest. मेरी chest है उसमें ही heart है. देखो आप देख सकते हो, clearly you are visualized in the picture of body. The heart lies inside our chest. It pumps blood to all parts of our body so that they can work well. Heart है वो क्या करता है, हमारी body में, heart में ब्लड है उसको पंप करके हमारी बॉडी के सभी पार्ट में उसको सर्कुलेशन का वर्क करता है, सो हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क कर सके. वी कैन फील इट बीटिंग व्हेन वी रन फास्ट और प्लेस अवर हैंड ऑन द चेस्ट. वो ज़्यादा बीटिंग करने लगता है हमारा हार्ट जब हम दौड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर से दौड़ते हैं, तब हमारे हैंड है वो हम हार्ट के ऊपर रखते हैं तो हमें फील होता है कि वो बहुत ज़्यादा फास्टली बीटिंग करने लगता है. क्लोज टू अवर हार्ट आर द लंग्स. हमारे हार्ट के बहुत ही क्लोज है वो लंग्स है. दे आर टू इन नंबर. देख सकते हो आप पिक्चर में, लंग्स है वो टू इन नंबर है. लंग्स है वो टू होता है. वी ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ अवर लंग्स. हम ब्रीथिंग करते हैं वो लंग्स की हेल्प से करते हैं. The food that we eat goes to the stomach. हम जो food खाते हैं वो stomach में जाता है, हमारे पेट में जाता है. It looks like a bag. Stomach कैसा होता है, bag के जैसा होता है. देखो दिख रहा है आपको diagram में. Which helps to break down the food we eat. Stomach है वो हमारे खाने को break down करता है और हम easily खा सकते हैं. It lies below the chest. और वो chest के नीचे आता है. We have many bones inside our बॉडी. हमारी बॉडी में बहुत सारे बोन्स होते हैं. मतलब व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बोन्स, द हार्ड पार्ट्स दैट फॉर्म अ फ्रेम इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. एक फ्रेम जैसा होता है और बहुत हार्ड पार्ट्स होता है जो हमारी बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट है, उसे हम बोन्स कहते हैं. दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एंड गिव शेप टू अवर बॉडी.
बोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को शेप्स देते हैं। दे हेल्प अस टू होल्ड थिंग्स, कोई भी चीज़ मुझे पकड़नी है तो उसमें हमारे बोन्स हेल्प करते हैं। टू ईट, प्ले, वॉक, सीट एंड डू मैनी अदर थिंग्स। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन अ नटशेल वी कह सकते हैं कि हमने ये चैप्टर में क्या लर्न किया। हमने इस चैप्टर में लर्न किया पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, उसके टू डिवीजन थे। उसमें फर्स्ट डिवीजन सेंस ऑर्गन्स, देर आर फाइव टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। और सेकेंड वन ऑर्गन्स इनसाइड अवर बॉडी, दैट्स अ ब्रेन, बोन्स, हार्ट, लंग्स एंड स्टमक। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन वन, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको मैंने ये जो भी समझाया उसे समझ के आपको ये ब्लैंक्स अपनी नोटबुक में लिखनी है। फर्स्ट ब्लैंक, अवर माउथ हेल्प्स अस टू डैश एंड डैश, हमारा माउथ है वो हमें क्या करने में हेल्प करता है। सेकेंड ब्लैंक, अवर डैश हेल्प अस टू लिफ्ट एंड होल्ड द थिंग्स, हमारे कौन सा बॉडी पार्ट हमें कोई चीज़ को उठाने में और पकड़ने में हेल्प करता है। थर्ड, अवर डैश हेल्प अस टू नो मोर अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारी बॉडी के कौन से पार्ट्स हमें हेल्प करते हैं पूरे वर्ल्ड के अराउंड जो हो रहा है उसे सबसे ज़्यादा कौन हेल्प करता है, जैसे हमने देखा कि सेंस ऑर्गन्स। बोन्स गिव डैश टू अवर बॉडी, बोन्स से वो हमारी बॉडी को क्या देते हैं, शेप्स। वी ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ अवर डैश, हमारी बॉडी में क्या है जो ब्रीथिंग का काम करता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन टू, रीअरेंज द जंबल्ड वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल आपको इसमें क्या करना है, फर्स्ट है ई ए एच आर टी, तो आपको न्यू वर्ड्स बनाना है, उसको रीअरेंज करना है, पूरा वर्ड बनाना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है ई ए एच आर टी, तो आप उसमें आंसर लिखोगे एच ई ए आर टी, इट्स अ हर्ट। वैसे ही आपको सभी वर्ड्स करना है। ओके, थैंक यू।